गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक नाइट क्रीम का रिव्यू। हम सब जानते हैं कि जो नाइट का स्किन केयर रूटीन होता है ना, वो हम सबके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब दिन में हम कोई स्किन केयर चाहे करें या ना करें, लेकिन रात के टाइम सोने से पहले अगर आप एक अच्छा स्किन केयर कर लेते हो ना, तो आपकी स्किन हमेशा हेल्दी, ग्लोइंग, प्रॉब्लम्स फ्री रहती है। तो नाइट का स्किन केयर रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ। दिन में आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना ज़्यादा स्किन केयर कर सके, तो रात को एक अच्छा स्किन केयर करो ताकि ओवरनाइट ना वो आपकी स्किन पे वर्क करे। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एक नाइट क्रीम का रिव्यू। एक्चुअली इस नाइट क्रीम की भी बहुत लंबी कहानी है, मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये जो नाइट क्रीम है इसका नाम भी मैंने पहली बार सुना है और इसे मुझे ब्रांड ने सेंड किया था। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ब्रांड ने मुझे सिर्फ क्रीम को सेंड किया था और मैं आप सबको हमेशा यही कहती हूँ कि देखिए, ब्रांड्स तो सेंड करते ही है प्रोडक्ट्स, तो जो मुझे अच्छे लगते हैं उनका ही रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं हर एक ब्रांड को ये बात जरूर बोलती हूँ कि देखिए, अगर मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो ही मैं उसका रिव्यू शेयर करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। अगर उसने मुझ पर वर्क नहीं किया तो मैं उसका रिव्यू भी शेयर नहीं करूंगी। ये जो क्रीम है, जब मैंने इसको यूज करना शुरू किया, क्योंकि देखिए जब मैं अपने ऊपर उसे ट्राई करती हूँ, किसी भी प्रोडक्ट को यूज करती हूँ, रिजल्ट दिखता है फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जब मैं इसे यूज कर रही थी, 2-4-5 दिन हो गए, तो मुझे कोई बिल्कुल भी असर दिखाई नहीं दे रहा था अपनी स्किन पे, तो मुझे लगा शायद ये अब मुझ पर वर्क नहीं करेगी। बट स्टिल मैंने इसको ना कंटिन्यू रखा, इसको यूज़ करती रही। तो फिर मैंने क्या देखा, जब लगभग 10 दिन हो गए, मतलब 10 से 12 दिन बाद मैं फील कर रही थी कि जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ और जब मैं अपना फेस वॉश नॉर्मल वाटर से करती हूँ और फिर मैं अपनी स्किन को देखती थी, तो मैं देख रही थी मेरी स्किन पे ना एक अच्छा ग्लो दिखाई दे रहा है। और इस क्रीम की सबसे खास बात ये है कि ये मतलब ऑल स्किन टाइप्स पे, मतलब हर किसी पे सूट कर जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि आपकी कोई भी स्किन प्रॉब्लम होगी, ये उस पर भी वर्क करेगी। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, तो ये जो थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है उस पर भी इसने वर्क किया, चेहरे पर एक अच्छा ग्लो आया, एक हेल्दी ग्लो जिसे कहते हैं ना, नेचुरल ग्लो, वो मुझे अपने चेहरे पे दिखाई दे रहा था। ये चीज़ होती है कि कोई कोई प्रोडक्ट जो होता है आपको डे वन से ही असर दिखाता है, अपना रिजल्ट दिखाता है, और कोई कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसका रिजल्ट दिखने में आपको कम से कम 2 हफ्ते तक लग जाते हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया है, ट्राई करना शुरू किया, और आपको अगर उसका रिजल्ट 2-4 दिन में नहीं दिख रहा, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि कम से कम 2 हफ्ते किसी प्रोडक्ट को ट्राई करो। अगर 2 हफ्ते में भी आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं दिखता, तो इसका मतलब वो आप पे वर्क नहीं कर रहा। जैसा कि इस क्रीम ने 10 दिनों बाद असर दिखाना शुरू किया, यानी कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे रिजल्ट दिखना शुरू हो गया था। क्योंकि देखिए, हर किसी की स्किन का टेक्सचर अलग होता है, हो सकता है अगर आप ट्राई करो आपकी स्किन पे ये डे वन से ही रिजल्ट आपको अच्छा मिल जाए इसका, मेरी स्किन पे थोड़ा लेट मिला है। तो ये हर किसी के स्किन के टेक्सचर के अकॉर्डिंग होता है। तो जिस नाइट क्रीम की मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ, तो चलो अब मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। मैं पहले आपको इस क्रीम की पूरी डिटेलिंग जो है वो अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, देन उसके बाद आपको इसको यूज़ कैसे करना है, इसका टेक्सचर कैसा है, सब कुछ क्लियर करती हूँ। तो चलिए फटाफट से आप इसकी डिटेलिंग देख लीजिए। सो गाइज, ये है फेसट्यून ब्रांड की वो नाइट क्रीम जिसे मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत पसंद आ रही है। पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, मेड इन दुबई प्रोडक्ट है गाइज। 599 रुपीज़ इसका MRP है, 2 ईयर्स की इसकी शेल्फ लाइफ है। इस क्रीम का डेली इस्तेमाल ना गाइज, आपकी स्किन की जो भी दिक्कत होगी, चाहे वो पिगमेंटेशन की हो, डार्क स्पॉट्स की हो, डार्क सर्कल्स की हो, आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम हो, या किसी भी तरीके का डार्क पैच हो, या अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डल पड़ गया है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है, ये क्रीम आपकी इन सब प्रॉब्लम्स पे वर्क करेगी। टेक्सचर की अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसका जो टेक्सचर है गाइस, वो थोड़ा सा थिक टेक्सचर है, तो आप अपनी स्किन टेक्सचर के अकॉर्डिंग क्वांटिटी को चूज कीजिएगा। मतलब अगर स्किन ऑयली है थोड़ा कम लीजिए, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको जितनी नीड हो आप उतना ले सकते हो। तो इसका जो टेक्सचर है, नॉर्मल जो क्रीम्स हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थिक है। और अगर मैं इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ ना गाइस, तो इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल
ऐसी लगती है मुझे जैसे हम कोई उपटन वाला प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, जिसमें मतलब हल्दी वगैरह की फ्रेग्रेंस आती है, तो सेम इसकी फ्रेग्रेंस वैसी ही है क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। आपको इसको यूज़ कैसे करना है, आपको अच्छे से अपना फेस वॉश करना है, उसके बाद आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है क्योंकि इसका टेक्सचर थोड़ा सा मुझे थिक लगता है, तो इसको मैं अच्छे से मसाज कर लेती हूँ ताकि मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। एक बार जब ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, सेट हो जाती है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, स्किन पे कोई हैवी फील नहीं होता, मतलब कोई भी ऑयली ग्रीसीनेस नहीं फील होती है। वैसे तो हमें सनस्क्रीन हमेशा अप्लाई करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी इस क्रीम पे मेंशन है कि आप जब तक इस क्रीम को यूज कर रहे हो आपको सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना है, डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट में नहीं आना है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस क्रीम को एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। होप गाइज इसकी पूरी डिटेलिंग जानने के बाद अगर आपका भी मन है इसे ट्राई करने का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका परचेज लिंक मिल जाएगा, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।